हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह कि चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, पहले जुनून की आग में जलना पड़ेगा। तो पहले, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके न्यूमेरिकल करा दिए थे 15 तक, आज हम उससे आगे कराएंगे। लेकिन एक संदेश है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास पैसे का साधन नहीं होता है, तो आप हमारी ये वीडियो उन तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। और प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल हम इसी तरीका से आपके पास भेजते रहेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है विद्यार्थी स्टूडेंट, तो देखते हैं आज 16 न्यूमेरिकल। देखो इसमें ये कह रहा है, तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए बराबर दे रहा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर से आप मीटर बनाओगे तो इसमें 10 की घात माइनस के 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दो जीरो हटाओगे तो यहाँ घात कितनी बचेंगी आपकी, 2, 10 की घात माइनस के 2 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल दे रहा है। उसके बाद में दे रहा है, एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है, यानी प्लेटों के बीच में जो कागज रखा है तो जो प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो है ही कागज की मोटाई है वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी, यानी डी बराबर रखेंगे 0.005 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से क्या बनाओगे, मीटर बनाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.005 इंटू 10^-2 मीटर। डी बराबर ये पॉइंट उठाओगे 1, 2, 3, 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10^3 = 5 मीटर। उसके बाद में ये कह रहा है, और उसका परावर्तक 2.5 है, जो प्लेटों के बीच में जो कागज की ये कागज रखा गया है उसका जो परावर्तक दे रहा है, के का मान वो कितना दे रहा है, 2.5 है। यदि कागज 5×10^5 वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, यानी वैद्युत क्षेत्र दे रहा है ई का मान, ई बराबर दे रहा है 5×10^5 वोल्ट प्रति सेमी, ये दे रहा है। देखो न्यूमेरिकल कहाँ गलत करते हैं स्टूडेंट, पहले समझ लो, जो भी मात्रक दिए हैं, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे बीच की दूरी हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, जो भी मात्रक दिए हैं, पहले तो एक पद्धति में सभी मात्रक होने चाहिए। और पद्धति होती है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं MKS पद्धति। कौन सी पद्धति यूज करते हैं, MKS या SI, बात एक ही होती है। तो अब ये जो मात्रक सभी दिए हैं हमने किस में लिए, मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर बना दिया है, तो ये भी, ये जो सेंटीमीटर है वो किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो यहाँ से पहले इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 5×10^5 ऊपर क्या है वोल्ट, और नीचे सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे 10^-2 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई का जो मान होगा वह होगा 5×10^5, ये मान से 2 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 × 2 = 7, ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें आ गई, वोल्ट प्रति मीटर में। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी उवी का मान पूछा है, उवी का मान पूछ रहा है, और नंबर 2 में पूछ रहा है, जिससे कि संधारित्र आवेश किया जा सकता है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, यानी क्यू का मान, उवी का मान पूछा गया है और क्यू का मान पूछा गया, तो समझ लो उवी बराबर फॉर्मूला होता है, जब तीव्रता दी होती है तो उवी बराबर लगा सकते हो आप, उवी बराबर ED, यानी ये पढ़ाया है हमने आपको
ई बराबर ओबी डी, ओबी अपॉन डी पढ़ाया है तो यहाँ से ओबी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ओबी बराबर ई इंटू डी। तो ओबी बराबर ई का मान कितना दे रहा है, 5×10^7 ये दे रहा है, 5×10^7 इंटू डी, प्लेटों के बीच की दूरी दे रहा है 5×10^5 माइनस के 5, यहाँ क्या रखोगे 5×10^5 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा आपका ओबी बराबर 5×5=25 × 10^7 में से 5 घटाओगे घात बचेंगे 2 वोल्ट, यही आपका आंसर है। या ऐसे हम कर सकते हैं 25×10^2 का मतलब यहाँ 2 जीरो रखेंगे 2500 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, आवेश, तो Q बराबर फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर CV, लेकिन C का मान नहीं दिया है, जब C का मान नहीं दिया है तो C के स्थान पर हम ये परावर्तक भरा हुआ है, तो समांतर पे संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर kA ε₀/d, अगर परावर्तक नहीं होता तो हम फॉर्मूला लगाते A ε₀/d, तो यहाँ C के स्थान पर क्या रखेंगे kA ε₀/d इंटू ओबी, मान रख दो सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा K का मान कितना दे रहा है 2.5 इंटू A का मान कितना दिया है 1×10^2 ε₀ का मान पता होना चाहिए 8.85×10^12 इंटू ओबी का मान कितना दे रहा है 2500, कितना दे रहा है ये 2500 दे रहा है बट्टे डी का मान दे रहा है 5×10^5 5×10^5 सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा इसका ये। तो देखो इधर ये 5 से एक जीरो कट जाएगी और 5×5=25, तो ये 5×8.85×250×10^ घात खत्म करो पहले 12 माइनस के और माइनस के 2 माइनस के 14 हो जाएंगे और ये माइनस के 5 नीचे ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का, तो 14 में से 5 घटाएंगे माइनस के कितने बचेंगे 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो क्यू बराबर देखो इधर 5×8=40 हासिल कितनी है 4, 5×8=40 और 4=44 हासिल 4, 5×8=40 और 4=44 एक दो अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इंटू इस जीरो को इसमें कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 25×10^8 घात कितनी बचेंगे माइनस के 8। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्यू बराबर 25 का जीरो में ये जीरो, 25×100 हासिल 10, 25×100 और 10 110 और 110 का जीरो हासिल कितनी हो जाएंगे 11, 25×100 100 और 11 100 हैं और ये 11 111 हो जाएगा, ठीक है 111। अब एक दो अंक बाद पॉइंट है, एक दो अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आएगा × 10^-8 या Q बराबर ये वाला पॉइंट जब इधर लाएंगे समझ लो ये वाला पॉइंट इधर जाएंगे एक दो तीन या तीन अंक बाद तो यहाँ 1.11×10^3 यहाँ से घात कम करेंगे तो ये उचेगा आपका माइनस के 5 कूलम, यही आपका आंसर है। देख लो 1.11×10^5 कूलम बिल्कुल सही है 100%। कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो 17वां क्वेश्चन जल्दी से कर लो। अब ये कह रहा है 17वां क्वेश्चन में दे रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, यानी समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों का जो व्यास दे रहा है वह दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो r बराबर हो जाएगा ये 8/2=4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, तो 4×10^-2 मीटर ये त्रिज्या दे रहा है। यदि संधारित्र की धारिता इस यदि प्लेटों के बीच बाय भरी है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों के बीच क्या भरी हुई है बाय भरी हुई है, तब इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली की धारिता के समान है,
जो इसकी समांतर प्लेट जो संधारित्र की जो धारिता है वो गोली संधारित्र की और गोली की जो त्रिज्या दे रहा है, जो गोली संधारित्र की त्रिज्या दी है उसमें कितनी दे रहा है, ये 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली की धारिता के समान हो तो इस प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात करवा रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, समझ लो। C बराबर फॉर्मूला होता है 4π ε0 × r, यह है गोली संधारित्र की धारिता, और जो गोली संधारित्र की धारिता है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के कैसी है, बराबर है। तो यहाँ लगाओगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सूत्र क्या लगाओगे, A ε0/d, क्योंकि बायो है, बराबर 4π ε0 × r। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसकी जो त्रिज्या दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 4, कितनी दे रहा है, 4, और गोली संधारित्र की जो त्रिज्या है, ये गोली संधारित्र का फॉर्मूला है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रहा है, यहाँ आर वन कर लो, उसकी जो त्रिज्या दे रहा है वह दे रहा है आर वन बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, कितनी है ये 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, समझ लो। अब यहाँ ए ए यानी जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr² × εo/d बराबर 4π εo × r1, r1 के स्थान पर क्या रखोगे, 1। अब पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, εo से εo काट दोगे, तो यहाँ बचेगा आपका r² / d बराबर 4, और d का मान चाहिए तो r² / 4 इधर ले आओगे, यहाँ बचेगा d, तो ये हो जाएगा d बराबर r, r का मान कितना दे रहा है, ये दे रहा है 4×10^-2 4 का वर्ग है 16, 10^-2 4×4 = 16, तो ये हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी 4×10^-4 मीटर, यही आपका आंसर है। इसमें दे रहा है 0.04 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तो यहाँ से 4×10^-2 तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर में, और ये 10^-2 हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, कर लो जल्दी से। अब देखो 18वां क्वेश्चन, 18 में क्या कह रहा है, अठारहवां क्वेश्चन दे रहा है, इधर देख लो, चलो इधर से देख लो, ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a बराबर 2 वर्ग मीटर दे रहा है, 2 वर्ग मीटर है, प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm यानी 5 मिलीमीटर है, d बराबर दे रहा है 5 मिलीमीटर, और मिलीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, तो 5×10^-3, जब मिलीमीटर हटाते हैं 10^-3 का गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर हटाते हैं 10^-2 का गुणा करते हैं। अब उसके बाद में प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है, तो ये विभवांतर दे रहा है ओ वी बराबर 10,000 वोल्ट, इसे हम कर सकते हैं ओ वी बराबर 10^1, 2, 3, 4, 10^4 वोल्ट। उसके बाद में संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, धारिता पूछी है, सी का मान और आवेश क्यू पूछा गया है, तो प्लेटों के बीच बायो है, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C = a ε0/d, C = a, का मान दे रहा है 2, और ε0 का मान पता होना चाहिए 8.85×10^-12/d, डी का मान दे रहा है 5×10^-3, 5×10^-3, तो सी बराबर इससे 5 से काट दोगे ये 1.77 बार, और 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2×7=14, 2×7=14 और 1=15, 2×1=2 और 1=3, 1 2 अंक बाद पॉइंट है × 10^2, ये -3 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 12 में से 3 घटाओगे −9F, ये है धारिता, बायो में धारिता। दूसरा पॉइंट,
दूसरे पॉइंट पे पूछा गया है आवेश की गणना कीजिए, तो आवेश क्यू बराबर सी बी फॉर्मूला लगाओगे, सी का मान दे रहा है 3.54 इंटू 10 टू आर माइनस के 9 इंटू वी, वी का मान कितना दे रहा है 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 3.54 इंटू 10 टू आर माइनस के 9 में से 4 घटाओगे, ये बचेगा माइनस के 5 कूलम, यही आपका आंसर है, कर लो जल्दी से। उसके बाद में देखो आप 19वां क्वेश्चन देखो जल्दी से कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 19वां सवाल पढ़ लो, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर माप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है ए बराबर 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है, पहले इसके सॉल्व कर दो, 60 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, 10 की घात मास के दो घात, ये मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर लिख दो या यहाँ, चलो ऐसे कर लो, ये भी मीटर हो जाएगा ये भी मीटर हो जाएगा, तो ए बराबर 6 चौका 24, 1 2 0 हैं, ये 2 0 से ये घात कट जाएगी, तो ये 10 की घात मास के 2 बचेगा मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा प्रत्येक प्लेटों का 24 × 10 की घात मास के 2। चादरों के बीच की दूरी समांतर पे संधारित्र है उनके चादरों के बीच की दूरी दे रहा है 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, अब और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी गई है जिसका प्रवर्तक 7 है, यानी प्लेटों के बीच में इतनी ही मोटाई की एक प्लेट रखी गई है जिसका विद्युत रोधी प्लेट रखी है, इसका प्रवाह कितना है 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेश करने के लिए कितने कूलम विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, वो भी बराबर दे रहा है 200 वोल्ट आवेश का मान पूछा गया है, तो आवेश क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी वी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, लेकिन जो धारिता निकालेंगे वो माध्यम निकालेंगे, क्योंकि माध्यम दे रहा है 7, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे माध्यम के लिए के ए एफ साइन नॉट बट्टे डी इंटू उवी, कर लो इसे सॉल्व मार रखे, इसमें के का मान कितना दे रहा है 7 इंटू ए, ए का मान दे रहा है 24 इंटू 10 की घात माइनस के 2, एफ साइन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की घात माइनस के 12, उवी का मान दे रहा है 200 बट्टे डी, डी का मान दे रहा है 4 × 10 की घात माइनस के 3, 4 से काट दो 4 6 24, क्यू बराबर हो जाएगा ये 7 6 42 इंटू 8.85, ये 2 0 इससे 10 की घात माइनस 2 काट दो, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 10 की पावर, ये माइनस के 3 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 12 में से 3 घटाओगे माइनस के 9, क्यू बराबर कैलकुलेशन कर लो इसकी 42 × 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, 1 2 अंक बाद पॉइंट है, इंटू 10 की घात माइनस के 9, अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा क्यू बराबर, ये आंसर आएगा आपका 0.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलाम, माइनस के 6 कूलाम, और इसे हटाओगे तो ये आएगा 0.74 माइक्रो कूलम, ये आएगा आपका सॉल्व करके, कर लो जल्दी से। अब देखो 20वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 20वां सवाल देखो, बीस में ये कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रहा है ए बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, और 100 वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर बनाओगे 10 की घात माइनस के 4 का गुणा कर देंगे, ये वर्ग मीटर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा 1 × 10 की घात माइनस के
दो, ये दो जीरो से घात चार में से दो जाएंगे तो दस की घात माइनस के दो बचेंगे। व इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रहा है वह दे रहा है डी बराबर पाँच मिलीमीटर से बनाओगे मीटर, पाँच मिलीमीटर दे रहा है, दस की घात माइनस के तीन बढ़ा देंगे मीटर बन जाएगा। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है, विभवांतर दे रहा है 300 वोल्ट, प्लेटों के बीच जो विभवांतर दे रहा है कितना दे रहा है 300 वोल्ट स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर, जब बैटरी को हटा दिया जाता है तो हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एवोनाइट यानी एवोनाइट से भर दिया जाता है, तब एवोनाइट जो प्रावेतांक दे रहा है उसका 2.6 दे रहा है, 2.6 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर, समझ लो। तो हमने पीछे ही बताया था एक क्वेश्चन के समांतर पे संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावर्तन पदार्थ भर दिया जाता है तो नया जो विभवांतर होता है, नया विभवांतर ओवी डैश बराबर ओवी अपॉन के, ये फॉर्मूला बताया था, सिद्धि बताया कराया था हमने कि ये कैसे आया है। तो अगर प्लेटों के बीच माध्यम रख दिया जाता है, सूत्र लगाओगे ओवी अपॉन के, यानी पहले का जो विभवांतर होगा उसमें परावर्तन का क्या देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये नया विभवांतर आ जाएगा आपका, नया विभवांतर, विभवांतर ओवी डैश बराबर ओवी अपॉन के। तो ओवी डैश बराबर ओवी का मान कितना दे रहा है, 300 दे रहा है ये, और के का जो मान दिया है वह दिया है आपका 2.6, पॉइंट उठाओगे जीरो लगाओगे, ओवी डैश बराबर 26 का इसमें भाग दोगे तो ये आएगा आपका 115 वोल्ट, ये है आपका नया विभवांतर। अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक का मतलब यह है कि जब प्लेटों के बीच में वायु थी उस समय धारिता कितनी थी, और जब प्लेटों के बीच में ये एवोनाइट की जो पट्टी रख दी थी, एवोनाइट रख दी की छड़ रख दी थी, तो और तब धारिता क्या होगी, तो माध्यम में धारिता पूछ रहा है और वायु में धारिता पूछ रहा है। तो देखो प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता यहाँ लिख दोगे प्रारंभिक धारिता सी ओ बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, ये वायु में धारिता है। सी ओ बराबर ए का मान कितना दे रहा है, ए गुणा 10 की घात माइनस के 2, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12, बट्टे डी, डी का मान कितना दे रहा है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3। सी ओ बराबर 5 से ये काट दोगे, ये कटेगा आपका 1.77 बार, और ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10^2। ध्यान दो दर, ये माइनस के 12 है, ये माइनस के 2, माइनस के 14 है, माइनस के 14 ये 3 ऊपर ले जाओगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 11 फैराड। तो ये प्रारंभिक धारिता है 1.77 इंटू 10^11। देख लो आंसर सही है। अब अंतिम धारिता, उसके बाद में अंतिम धारिता, अंतिम का मतलब होता है माध्यम धारिता, अंतिम धारिता पूछ रहा है, अंतिम धारिता C बराबर फॉर्मूला लगाओगे C नॉट के, यानी पीछे पढ़ा चुके हैं माध्यम की परावर्तन बराबर C अपॉन CO, माध्यम धारिता और वायु धारिता के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से माध्यम में धारिता अगर निकालनी है तो C बराबर क्या बनाओगे, KCO, क्या लगाओगे, KCO या C नॉट के। तो यहाँ C बराबर C नॉट का मान कितना दे रहा है, 1.77 10^-11 इंटू के का मान दे रहा है 2.6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा आपका 4.6 इंटू 10^-11 फैराड, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे यही आएगा आपका, कर लो जल्दी से। अब इसमें तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए, समझ लो। ये प्लेट हैं, यानी यदि माध्यम रखा हो या न रखा हो, माध्यम रखने से आवेश में और क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और नहीं आवेश के पृष्ठ घनत्व में चेंजिंग होती है। जितना वायु में वायु रखी थी प्लेटों के बीच में, तब पृष्ठ घनत्व होगा वही होगा माध्यम में, वही होगा माध्यम में। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व, जो सिग्मा का मान होगा, दोनों स्थितियों में कैसा होगा, समान, वायु में भी और माध्यम में भी। तो ये प्रत्येक स्थिति में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वह समान होगा। देख लो इधर तीसरी कंडीशन, आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, और Q बराबर सूत्र लगाओगे CV, क्या लगाओगे, Q बराबर
सी वी सी नॉट वी अपॉन ए सी नॉट यानी बाय में जो जो पृष्ठगत होगा वही आपका माध्यम होगा, लेकिन माध्यम के हिसाब से निकालोगे तो यहाँ सी एम रखा जाएगा और वी यानी माध्यम में जो विभवांतर था वो कितना था 115 तो यहाँ 115 रख दोगे और माध्यम में दाता रख दोगे तब भी यही आंसर आएगा जो इससे आएगा। ठीक है, माध्यम से भी निकाल सकते हो, बाय से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप इसका जो पृष्ठगत होगा वह समान आएगा। हम इससे बाय से निकाल दे रहे हैं तो सिग्मा बराबर सी नॉट, सी नॉट का मान कितना दे रहा है 1.77 इंटू 10^-11 ओवी बाय में जो विभवांतर था पहले वो कितना दे रहा था 300। ए का मान कितना दे रहा है 1 × 10^-2 सॉल्व कर दो इसे, देखो इधर ये जीरो ये जीरो इससे ये पॉइंट कटेगा 3 × 7 = 21 × 7 = 21 + 2 = 23 × 3 = 5 × 10^2 ये माइनस के दो ऊपर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा 11 में से दो घटाओगे माइनस के 9 तो सिग्मा बराबर यहाँ से दो घात कम कर देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 5.31 × 10^-7 मात्र हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी आप इसका मात्रा कूलम होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये प्रत्येक स्थिति में प्रारंभ में और अंत में भी आप इसका जो पृष्ठगत होगा वो यही रहेगा। जैसे अब ये आप सोच रहे हो माध्यम में हमें चाहिए, यहाँ पर जो आप जो धारिता है वो माध्यम में रखेंगे, जब यहाँ माध्यम में यहाँ सी एम रखोगे यानी माध्यम में धारिता ये वाली रखोगे तो यहाँ ओवी का मान 115 रखना पड़ेगा, माध्यम में जो विभवांतर निकाला था हमने नया विभवांतर वो रखना पड़ेगा, जब वो रख दोगे तो यही कैलकुलेशन करके यही आएगा, आप कर लेना जाके। अब देखो ये हो गया आपका पूरा, अब जैसे ये 20वां सवाल था वैसे ही सेम 21वां सवाल है, बिल्कुल इसी तरीका से करना है। ये दे रहा है प्लेटों के बीच की दूरी और क्या दे रहा था विभवांतर भी बराबर 300 वोल्ट के बराबर 2.6। तो देखो 21वां सवाल भी देख लो, ये जो 20वां से ही होगा 21वां सवाल, ठीक है 21 में पहले पॉइंट में क्या करना है, पहले पॉइंट में ये कह रहा है यदि 21वां सवाल समझ लो इसी 20 में से ही है, तो ये कह रहा है यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, यानी पहले आप पॉइंट था प्लेटों के बीच नया विभवांतर, तो जब प्लेटों के बीच जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभवांतर जो था वही रहेगा, तो नया विभवांतर कितना रहेगा आपका यही रहेगा 300 वोल्ट रहेगा, यानी नया विभवांतर चेंज नहीं होगा, ओवी डैश बराबर ओवी यानी ओवी डैश बराबर कितना आएगा आपका 300 वोल्ट। जब बैटरी संधारित्र जुड़ी रहेगी तो जो विभवांतर होगा वह चेंज नहीं होगा, जो विभवांतर 300 था वही रहेगा। तो देखो दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम धारिताएँ क्या होंगी, प्रारंभिक और अंतिम धारिताएँ भी चेंज नहीं होंगी, जो प्रारंभिक धारिता होगी वही आपकी अंतिम धारिता होगी। तो प्रारंभिक जो धारिता थी फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, प्रारंभिक धारिता सी बराबर यानी सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, इसी से निकाली थी हमने धारिता। तो ए का मान कितना दे रहा है 1 × 10^2 एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10^12 बट्टे ओवी वो डी का मान कितना दे रहा है 5 × 10^3, इससे ये काट दोगे 1.77। तो सी नॉट बराबर हो जाएगा ये 1.77 × 10^12 = 14 और ये माइनस के 3 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 14 में से 3 हटाओगे माइनस के 11 फैराड, ये है आपकी प्रारंभिक धारिता। ऐसे ही अंतिम धारिता यानी सी बराबर लगाओगे के सी ओ तो सी बराबर के का मान कितना दे रहा है 2.6 और सी नॉट का मान है 1.77 × 10^11 तो माध्यम में जो धारिता होगी अंतिम धारिता होगी वह कितनी आएगी आपकी 4.6 × 10^11 फैराड ये आएगी। अब उसके बाद में कह रहा है कि प्लेटों के प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व याद कीजिए, तो पृष्ठ घनत्व जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था बैटरी लगी थी उसके बाद में हमने बैटरी दूसरी उसमें उठा दी थी, लेकिन इसमें क्या है दोनों कंडीशनों में बैटरी हटी हुई है दोनों कंडीशनों में बैटरी हटी हुई है। तो समझ लो
सॉरी बैटरी संदाश से जुड़ी रहे। पहले कंडीशन में जो पहले जो 20वां सवाल कराया था उसमें बैटरी क्या थी, संदाश से हटा ली जाती है और उसके बीच में परावर्तक भर दिया जाता है। लेकिन इस कंडीशन अब 21वें सवाल में क्या कह रहा है, 21वें में कह रहा है उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संदाश से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों को उत्तर दिए, यानी बैटरी है वो जुड़ी है, बैटरी है वो जुड़ी है तब कह रहा है संदाश। आप इसके प्रश्न होना तो ज्ञात कीजिए, देखो जा आप इसका पृष्ठ घनत्व प्रारंभिक में, प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए और सिग्मा बराबर क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, क्यू बराबर सी नॉट वी अपॉन ए, सी नॉट वी अपॉन ए। देखो जा सिग्मा बराबर, सिग्मा बराबर सी नॉट ओवी, सी नॉट का मान कितना दे रहा है 1.77 इंटू 10^-11 ओवी, ओवी का मान कितना दे रहा है, ओवी का मान दे रहा है 300, प्रारंभ में भी 300 है और अंतिम स्थिति में भी 300 है। ए का मान कितना दे रहा है, ए गुणा 10^-2 सिग्मा बराबर इससे ये काट दोगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, 3 × 1 = 3 और 2 5 × 10^, ये ऊपर ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 11 × 2 घटाएंगे मान इसके 9, ये बचेगा आपका 5.3731 × 10^7 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये है प्रारंभिक आप इसका पृष्ठ घनत्व। उसके बाद में अंतिम पृष्ठ घनत्व, अंतिम पृष्ठ घनत्व, घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, लेकिन क्यू के स्थान पर लगाओगे सी ओवी अपॉन ए, यानी माध्यम में धारिता लेंगे, किस में लेंगे माध्यम में धारिता। लेकिन पहले जो विभवांतर था क्या था, पहले विभवांतर चेंज हो गया था, पहले विभवांतर चेंज हो गया था, लेकिन अब इसमें विभवांतर चेंज नहीं हुआ है इसलिए अब इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर सी, सी का मान कितना दे रहा है माध्यम में धारिता दे रहा है 4.6 × 10^-11 ओवी का मान 300 ही रखना है, ए का मान कितना दे रहा है 1 × 10^-2 इस पॉइंट से ये 0 काट दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर 3 × 6 = 18, 3 × 12 = 13 और 1 × 0 = 0 गुणा 10^, ये ऊपर ले जाओगे मान इसके 9 तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा बराबर इसमें से 1, 2, 3 घात कम करोगे तो 1.38 × 10^6 कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 1.38 × 10^6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही आंसर है, कर लो जल्दी से। अब इसके बाद में देखोगे 22वां क्वेश्चन, देखो 22वां में थोड़ा समझ लो। जैसे संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के हमने फॉर्मूला बताए थे, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1 C = 1 C1 + 1 C2 + 1 C3 और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है विभवांतर अलग अलग होता है, बता चुके हैं थ्योरी में, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है विभवांतर अलग अलग होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्लेटों की प्लेटों से प्लेट जुड़ती ली जाती हैं, संधारित्र की प्लेटों से प्लेटें जुड़ती चली जाती हैं। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, आवेश अलग अलग होता है, आवेश अलग अलग होता है। तो देखो इधर 22वां क्वेश्चन, 22वां सवाल, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 μF है, तीन संधारित्र दिए हैं, तीनों की धारिता 3 μF हैं, यानी C1 = 3 μF, C2 = 3 μF और C3 = 3 μF, तीनों की जो धारिता हैं वो कैसी हैं, समान हैं। तब कह रहा है संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी,
श्रेणी क्रम में और समानता क्रम में दोनों कंडीशनों में हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो श्रेणी क्रम के लिए पहले क्या निकालोगे, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन सी वन प्लस के वन अपॉन सी टू प्लस के वन अपॉन सी थ्री। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का ठीक उल्टा होता है संधारित्र। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है, आर बराबर आर वन प्लस के आर टू प्लस के आर थ्री। समांतर क्रम क्या होता है, आर बराबर वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस के वन अपॉन आर टू प्लस के वन अपॉन आर थ्री। तो प्रतिरोधों का ठीक ये उल्टा होता है श्रेणी क्रम संधारित्रों का, ठीक है, श्रेणी और समांतर। अब इसमें मान रख दो ये, तो वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन सी वन का मान तीन, सी टू का मान भी तीन है, सी थ्री का मान भी तीन दे रहा है। वन अपॉन सी बराबर एक दो तीन, यानी तीन बट्टे तीन, तीन से तीन काट दो कितना आएगा ये एक। तो वन अपॉन सी बराबर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बराबर एक माइक्रो फेरड, जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी आएगी आपकी एक माइक्रो फेरड श्रेणी क्रम में। ऐसे ही समांतर क्रम में निकालोगे, अब यहाँ क्या लिखोगे दूसरे पॉइंट में, समांतर क्रम में धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस के सी थ्री, सी बराबर तीन प्लस के तीन प्लस के तीन। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइक्रो फेरड, यही आपका आंसर। कर लो जल्दी से, अब देखो 23वां क्वेश्चन। तेईस में कह रहा है दो संधारित्रों की तुल्य धारिता, दो संधारित्र हैं उनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में दे रहा है 24 माइक्रो फेरड। यानी दो संधारित्र हैं, माना दो संधारित्र की धारिता सी वन व सी टू है, माना दो संधारित्रों की धारिताएँ कितनी मान लें सी वन और सी टू है, भाषा लिख देना आप सी वन व सी टू है, माना दो संधारित्रों की धारिताएँ सी वन व सी टू है क्रम से, तब ये समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी दे रहा है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता दे रहा है यानी सी वन प्लस के सी टू बराबर 24 माइक्रो फेरड। समांतर क्रम में सी बराबर सी वन प्लस सी टू सूत्र होता है, तो यहाँ सी के स्थान पर कितना दे रहा है 24, और सी वन प्लस सी टू जोड़ देंगे ये तुल्य धारिता दे रहा है। तो समीकरण नंबर एक कर लोगे इसे। उसके बाद में कह रहा है श्रेणी क्रम में 6 माइक्रो फेरड है, यानी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वन अपॉन सी वन प्लस के वन अपॉन सी टू बराबर वन अपॉन सी, और वन अपॉन सी का मान कितना दे रहा है 6। तो यहाँ क्रॉस गुणा ये एलसीएम ले लेंगे सी वन सी टू, यहाँ गुणा कर देंगे ये सी टू प्लस के सी वन बराबर एक बट्टे 6, सी टू प्लस सी वन या सी वन प्लस सी टू इसका मान दे रहा है 24। तो यहाँ कितना रखेंगे 24 बट्टे सी वन सी टू बराबर एक बट्टे 6, क्रॉस गुणा करोगे सी वन सी टू बराबर 6 का इसमें गुणा करोगे 6 चौका 24, 6 दूनी 12 दो 14। समीकरण नंबर दो, सी वन इंटू सी टू का मान है 144 और सी वन प्लस सी टू का मान कितना है 24। अब हमें ज्ञात करना है सी वन और सी टू के मान अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो ये आपको ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा ये वाला। अगर हम सॉल्व करते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये है माइनस के 4ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4ab में से 2ab घटाओगे माइनस के 2ab, और इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है। लेकिन हम a प्लस के b इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सी वन प्लस सी टू का मान पता है, इसलिए हम पहले निकालेंगे सी वन माइनस सी टू का। इसके हिसाब से यहाँ a के स्थान पर आएगा सी वन और b के स्थान पर आएगा सी टू। सी वन माइनस के सी टू का होल स्क्वायर बराबर सी वन प्लस के सी टू का स्क्वायर माइनस के 4c1 इंटू सी टू, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा सी वन माइनस के सी टू का स्क्वायर बराबर सी वन प्लस सी टू का मान कितना दे रहा है 24 दे रहा है। तो यहाँ 24 रखेंगे, 24 का वर्ग माइनस के 4 इंटू सी वन सी टू का मान दे रहा है 144। सी वन माइनस सी टू का स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 माइनस के 4 का गुणा 144 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 576। तो ये हो जाएगा सी वन माइनस सी टू का स्क्वायर बराबर 0, यानी सी वन माइनस सी टू बराबर 0, सी वन बराबर
C2, जो C1 और C2 के जो मान होंगे आपस में कैसे होंगे बराबर। यदि हम C1 के स्थान पर यहाँ C2 रख दें समीकरण एक में तो कितना आएगा, देखो ध्यान से समझ लो, समीकरण एक से यानी C1 है वहाँ क्या रख देंगे C2, तो यहाँ C2 रखा जाएगा तो यहाँ भी C2 और वो भी है C2 बराबर 24, C2 ये हो जाएगा 2C2 बराबर 24, दो से काट दोगे तो C2 बराबर आएगा 12 माइक्रो फेरड। अब ये C2 का मान 12 माइक्रो फेरड है तो C1 का मान भी कितना आएगा 12 माइक्रो फेरड। तो संधारित्व की धारिताएँ होगी अलग अलग धारिता होगी वो कितनी होगी 12 माइक्रो फेरड और 12 माइक्रो फेरड। अतः धारिताएँ C1 बराबर C2 बराबर 12 माइक्रो फेरड, यही आपका आंसर है, कर लो जल्दी से। अब देखो 24वां क्वेश्चन, 24वां सवाल। चौबीस में ये कह रहा है 100 माइक्रो फेरड का समांतर प्लेट संधारित्र इससे ऊपर वाला है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 100 पिको फेरड से लेकर 500 पिको फेरड तक बदली जा सकती है, यानी 100 से ले कहाँ से कहाँ तक है ये 10 पिको फेरड से लेकर 500 पिको फेरड तक, यानी 10 पिको फेरड से लेकर कहाँ तक बदली जा सकती है 500 पिको फेरड तक बदली जा सकती है, इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिताएं प्राप्त की जा सकती हैं। देखो कम से कम के लिए, कम से कम अगर हमें धारिता निकालनी है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अधिक से अधिक धारिता निकालनी है संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो लेकिन जो संधारित्र में जो चेंजिंग हो रही है वो 10 पिको फेरड से लेके 500 पिको फेरड तक हो रही है, तो जब कम से कम यानी कम से कम धारिता निकालेंगे तो हम संधारित्र को किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और कम से कम के लिए जो धारिता लेंगे वो कम वाली लेंगे 10 पिको फेरड, और अधिक से अधिक निकालनी है तो जो धारिता लेंगे वो हम 500 पिको फेरड लेंगे, क्योंकि 100 और 500 के बीच में धारिता बदली जा सकती है। 10 पिको फेरड से लेकर 500 पिको फेरड तक धारिता बदली जा सकती है, ये कह रहा है प्रश्न में। तो यानी श्रेणी क्रम में धारिता जो होगी वो कम से कम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो संधारित्रों को, और अधिक से अधिक के लिए धारिता निकालनी है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो कम से कम के लिए धारिता लेंगे वो कम वाली लेंगे, और अधिक से अधिक के लिए निकालेंगे तो धारिता कौन सी लेंगे ज़्यादा वाली, तो यहाँ लिखेंगे कम से कम धारिता के लिए दो संधारित्र हैं, तो यानी C1 बराबर 10 पिको फेरड लेंगे और C2 बराबर भी कितना लेंगे 10 पिको फेरड, और कम से कम के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में धारिता कम होती है 1/C बराबर 1/C1 का मान 10 और C2 का मान भी 10 है, तो 1/C बराबर 1 और 1 2 2 बटे 10 2 एक 2 2 5 10 1/C बराबर 1/5, यानी C बराबर आएगा आपका 5 पिको फेरड 5 पिको फेरड। अब अधिक से अधिक के लिए यहाँ लिखोगे अधिक के लिए जो धारिता लेंगे वो अधिक वाली लेंगे C1 बराबर 500 पिको फेरड और C2 का मान भी लेंगे 500 पिको फेरड, तो समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो अधिक होती है, समांतर क्रम में धारिता अधिक होती है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ देंगे C बराबर C1 प्लस के C2, C बराबर हो जाएगा 500 प्लस के 500, तो C बराबर हो जाएगा 1000 पिको फेरड, यही आंसर है आपका, कर लो जल्दी से। अब देखो 25वां क्वेश्चन, 25वां में कह रहा है कि 100 माइक्रो फेरड का समांतर पे संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेश करते हैं, यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें
प्लेटों के बीच की दूरी आदि कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा इस और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, समझ लो ध्यान से। सौ माइक्रोफेड का समांतर पे संधारित्र है, ये जो संधारित्र है 24वां क्वेश्चन, इसकी जो धारिता दे रहा है वह कितनी दे रहा है 100 माइक्रोफेरड, यानी C1 बराबर दे रहा है 100 माइक्रोफेरड, और प्लेटों के बीच की दूरी मानेंगे अभी D, और विभवांतर कितना दे रहा है OV1 बराबर दे रहा है 400 वोल्ट, OV1 बराबर कितना दे रहा है 400 वोल्ट। जब इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दें D/2 कर दें, तब नया विभवांतर यानी OV2 का मान ज्ञात कीजिए, OV2 का मान ज्ञात करवा रहा है, तो समझ लो C बराबर फॉर्मूला होता है A epsilon 0/D, ध्यान से समझ लो। अब इसमें जो A epsilon नॉट है क्षेत्रफल और epsilon नॉट जो है कॉन्स्टेंट है, जब ये कॉन्स्टेंट है जो धारिता होगी, प्लेटों के बीच की दूरी कैसे होगी व्युत्क्रमानुपाती, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो जाती है तो धारिता का मान कैसा हो जाएगा दोगुना, धारिता का मान जो होगा वो कैसा हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता का मान दोगुना हो जाएगा, तो धारिता जो इसकी धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 की दोगुनी 200, कितनी हो जाएगी 200 माइक्रोफेरड, धारिता कितनी हो जाएगी 200 माइक्रोफेरड। अब सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन OV और OV बराबर निकालेंगे तो Q अपॉन C, जब धारिता दुगनी हो गई है और जब धारिता यहाँ दुगनी हो जाएगी तो विभवांतर कैसा हो जाएगा आधा, क्योंकि आवेश तो कॉन्स्टेंट है, आवेश कैसा है हमारा नियतांक, यहाँ क्या लिखेंगे आवेश नियत है, जब आवेश नियत है और धारिता दुगनी हो जाती है, यहाँ धारिता दुगनी हो जाएगी तो विभवांतर कैसा हो जाएगा आधा धार, तो अब यहाँ करेंगे V proportional 1/C, धारिता दुगुनी होने पर विभवांतर आधा हो जाएगा, तब नया विभवांतर कितना हो जाएगा, ये नया विभवांतर यानी तब विभवांतर OV2 बराबर पहले कितना था 400, अब आधा हो जाएगा कितना बचेगा 200, तो ये तो आपका ये आंसर हो गया, विभवांतर कितना हो जाएगा 200। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले ऊर्जा निकाल लो, पहली स्थिति में ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV² यानी U1 यहाँ ये 1 लगाओगे यहाँ 1 लगाओगे ठीक है, तो U1 = 1/2 C1 का मान कितना दे रहा है 100 माइक्रोफेरड, और 100 माइक्रोफेरड से क्या बनाओगे फेरड, 10^6 OV1 पहले OV1 का मान कितना है 400, ये 400 का वर्ग करोगे दो बार लिख दोगे 400 को, तो U1 = 2 से काट दोगे ये 2 × 4 यानी 200, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 10^6 काट देंगे 0 घट जाएंगे ये, तो यहाँ बचेगा आपका 4 × 8, पहले की जो ऊर्जा है वो कितनी है आपकी 8 जूल है, पहले वाली जो ऊर्जा है वो कितनी है 8 जूल। अब दूसरी स्थिति में जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तब यानी दूसरी स्थिति में ऊर्जा U2 = 1/2 C2 OV2² U2 = 1/2 C2 यानी धारिता कैसे होगी दोगुनी 200 माइक्रोफेरड से क्या बनाओगे फेरड, और OV2 का मान कितना दे रहा है 200 वर्ग है, तो दो बार लिख दोगे इसे 2 से ये काट दोगे कितने बार जाएगा 100 बार। अब ध्यान से देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 10^6 हो जाएंगे प्लस किया 10^6 ये काट दोगे 0 सब ये सभी 0 कट जाएंगे, तो U2 = 2 × 4 यहाँ आएगा आपका 4 जूल।
अब पहले से जो ऊर्जा है वो कैसी लगी है, आधी पहले कितनी थी 8 जूल, अब कितनी लगी है 4 जूल। तो पहले से जो ऊर्जा होती है वो कैसे रह जाती है, आधी रह जाती है। यहाँ से पता लग रहा है जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो कैसा हो जाए, कितना रह जाएगा, आधा। अतः ऊर्जा पहले से आधी रह जाएगी, अतः ऊर्जा पहले से आधी रह जाएगी। या परिवर्तन लिखा सकते हो, ऊर्जा में परिवर्तन, यू वन में से यू टू हटा दोगे, 8 मार्च के 4 बराबर 4 जूल, कर लो ये सॉल्व।